नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात फरीदाबाद हरियाणा में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। रात के लगभग 9:15 का समय था, लेकिन कई बार कॉल बेल बजाने के बाद भी जब मोनिका ने दरवाजा नहीं खोला तो मनीष को गुस्सा आने लगा। उसे गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि एक तो उसकी बहन मोनिका घर पर दूध लेने के लिए नहीं पहुंची थी, दूसरे जब वो खुद दूध देने के लिए आया तो कॉल बेल की आवाज सुनकर 10 मिनट बाद भी मोनिका और सुखबीर ने दरवाजा नहीं खोला था। आश्चर्य की बात ये थी कि घर का मुख्य द्वार भी अंदर से लॉक नहीं था। जीजा सुखबीर ने करीब 15 दिन पहले ही 40 लाख रुपए में ऑडी Q3 कार खरीदी थी। वो पोर्च में खड़ी थी। सबसे बड़ी हैरानी इस बात पर थी कि घर के अंदर और बाहर पूरी तरह अंधेरा था और एक भी लाइट नहीं जल रही थी। ये सब बातें ऐसी थी कि मनीष का मन आशंका से भी भर उठा था। बहन की इस लापरवाही पर उसे गुस्सा आ रहा था। मनीष ने दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। एक दो बार दरवाजे को जोर लगाकर थपथपाया तो अचानक दरवाजा खुल गया और वो अंदर दाखिल हो गया। अंदर गुप्त अंधेरा था। मनीष ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर स्विच बोर्ड तलाश किया और ड्राइंग रूम की लाइट जला दी, जिससे कमरा रोशन हो गया। लेकिन इतना सब होने के बावजूद घर के भीतर कोई हलचल नहीं हुई तो मनीष का दिल किसी अनहोनी के डर से कांपने लगा, क्योंकि ड्राइंग रूम से लेकर कई जगह घर का सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। वो दौड़ता हुआ उस कमरे तक पहुंचा जहां उसकी बहन मोनिका का बेडरूम था। उसने दरवाजे से लगे बिजली के स्विच बोर्ड से कमरे की बत्ती जलाई तो बेडरूम के अंदर का दृश्य देखकर उसके हलक से चीख निकल गई। कमरे के भीतर उसकी बहन मोनिका और जीजा सुखबीर के खून से लथपथ शव पड़े थे। दोनों के हाथ पांव और मुंह सर्जिकल टेप से बंधे थे। घर की अलमारियां खुली हुई थी और सारा सामान बिखरा पड़ा था। घर से लाए दूध का डिब्बा मनीष के हाथ से छूट गया और वो जमीन पर दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठ गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वो घर से बाहर दौड़ा और खून खून चिल्लाता हुआ लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा। कॉलोनी में रहने वाले लोग दरवाजा खोलकर घर से बाहर आए और मनीष से चिल्लाने का कारण पूछा। मनीष ने वो सब बयां कर दिया जो उसने अंदर देखा था। कुछ ही देर में वहाँ लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। इसी दौरान मनीष ने गाँव में रहने वाले अपने परिजनों को भी फोन कर दिया। थोड़ी देर बाद मनीष का पूरा परिवार गांव में रहने वाले दूसरे रिश्तेदार व अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों की भीड़ सुखबीर के घर के बाहर जमा हो गई। मनीष ने सुखबीर के परिवार वालों को भी फोन करके इस बात की जानकारी दे दी थी। गांव वालों के कहने पर मनीष ने पुलिस कंट्रोल रूम को भी वारदात की सूचना दे दी। 11 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन ये वारदात दिल्ली से सटे ग्रेटर फरीदाबाद के गाँव जसाना में हुई थी। जिस गांव में वारदात हुई थी वो फरीदाबाद के तिगांव थाना क्षेत्र में आता है। सूचना मिलने के आधे घंटे बाद तिगांव थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। सुखबीर के बड़े भाई ओमबीर और पिता रिचपाल भी अपने परिवार के साथ मौके पर आ गए थे। पुलिस ने सभी घर वालों से एक एक करके पूछताछ शुरू कर दी। वारदात की जानकारी सबसे पहले मनीष को ही मिली थी, लिहाजा पुलिस ने सबसे पहले उससे ही पूरी घटना का ब्यौरा हासिल किया। मनीष ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन मोनिका की शादी 2013 में मूल रूप से फरीदाबाद के ही फतेहपुर चंदीला गांव के रहने वाले सुखबीर के साथ हुई थी। सुखबीर को अपनी फैक्ट्री तक आने के लिए गांव से लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। उसका इलाका काफी भीड़भाड़ वाला भी था, इसलिए उसने 2 साल पहले ससुराल वालों की मदद से जसाना गाँव के बाहर एक नवनिर्मित बस्ती में 500 गज का प्लॉट लेकर उस पर 2 मंजिला आलिशान मकान बनवा लिया और मोनिका के साथ यहीं आकर रहने लगा। सुखबीर मिलनसार और हसमुख स्वभाव का था, इसलिए सभी उसकी बहुत इज्जत करते थे। उसकी बेदर्दी से हुई हत्या से सभी दुखी थे। करीब 15 दिन पहले ही सुखबीर ने ऑडी Q3 कार खरीदी थी। इस कार की कीमत 35 से 40 लाख रुपए है। कार लेने के बाद सुखबीर ने अपने घर पर इसकी पार्टी भी दी थी। सुखबीर ने अपनी मेहनत व लगन के बूते काफी कम समय में अच्छी तरक्की की थी। गांव बड़खल में उनकी लिक्विड फिलिंग मशीनें बनाने की फैक्ट्री है, जिसे वे खुद संभालते थे। सुखबीर CA भी कर चुका था, इसलिए फैक्ट्री के अकाउंट का काम भी वो खुद ही संभालता था, जबकि उसकी पत्नी मोनिका हाउसवाइफ थी।
सुखबीर के भाई ओमबीर और पिता रिछवाल सप्ताह में कम से कम एक बार सुखबीर और मोनिका का हालचाल लेने गांव जसाना जरूर जाते थे। फोन पर भी उनकी दोनों से रोजाना बातचीत होती थी। कुल मिलाकर सुखबीर के घर में काफी प्रेम था। पति पत्नी भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बस कमी थी तो ये कि शादी के 7 साल होने के बावजूद सुखबीर व मोनिका के घर में बच्चे की किलकारियां नहीं गूंजी थी। 11 अगस्त को सुबह से ही सुखबीर के पेट में दर्द था, इसलिए मोनिका के कहने पर वो उस दिन फैक्ट्री नहीं गया और घर पर आराम करता रहा। दिन भर आराम करने के बावजूद जब पेट की तकलीफ कम नहीं हुई तो मोनिका सुखबीर को सुबह 11 बजे दवा दिलाने के लिए अपने साथ डॉक्टर के पास ले गई। वहां से दोनों 1 घंटे बाद घर लौट आए थे। चूंकि जसाना गांव मोनिका का मायका था और घर में दूध का काम होता था, लिहाजा उसका दूध मायके से ही आता था। मोनिका रोज शाम को घर की डेयरी पर ही दूध लेने जाती थी, लेकिन 11 अगस्त को सुखबीर की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण वो दूध लेने के लिए नहीं जा सकी। पिता रामवीर से उसने फोन करके कह दिया था कि शाम को कोई घर की तरफ आए तो खुद ही दूध भिजवा दे। रात को 9 बजे जब उनका छोटा बेटा मनीष गांव की घेर में सोने के लिए जाने लगा तो उन्होंने उससे कहा कि जाते समय दूध का डिब्बा मोनिका के घर पकड़ा देना। दूध का वही डिब्बा देने के लिए मनीष मोनिका के घर आया था, लेकिन वहां बहन और जीजा के शव देखकर उसके होश उड़ गए। जब वो घर पहुंचा तो देखा सभी लाइटें बंद थी और अंदर दोनों के शव पड़े थे। रात के 12 बजे तक फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह और क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी मौके पर आ गए। डॉग स्क्वाड के साथ फॉरेंसिक टीम भी जांच पड़ताल में जुट गई। घर के कोने से बदमाशों की पहचान के लिए फिंगरप्रिंट तथा सबूत एकत्र किए जाने लगे। घर वालों से अब तक की पूछताछ में जो जानकारी हासिल हुई थी उससे लग रहा था कि बदमाशों ने इस वारदात को लूटपाट के लिए अंजाम दिया था। सुखबीर व उसकी पत्नी इतने बड़े मकान में अकेले रहते थे। उनके घर तथा महंगी गाड़ी को देखकर किसी को भी उनकी हैसियत का अंदाजा लग सकता था, इसलिए पहली नजर में लग रहा था कि लूटपाट करने वाले बदमाशों ने ही वारदात को अंजाम दिया होगा। वैसे भी घर में जिस तरह से सारी अलमारियां खुली हुई थी, घर के कीमती जेवरात लापता थे, उससे लगता भी यही था। जहां तक सुखबीर की किसी से रंजिश की बात थी तो परिवार वालों ने साफ कह दिया कि सुखबीर की किसी से आज तक कोई रंजिश नहीं रही। बस एक बात ऐसी थी जिसने पुलिस को उलझा कर रख दिया था, वो ये कि अगर बदमाशों ने घर में घुसने के बाद सुखबीर तथा मोनिका को काबू में करके उनके हाथ पांव और मुंह सर्जिकल टेप से बांध दिए थे तो वे लूटपाट करने के बाद आराम से भाग सकते थे। बदमाश और लुटेरे आमतौर पर किसी की हत्या तभी करते हैं जब उनका विरोध होता है, लेकिन यहाँ तो सुखबीर तथा मोनिका के बंधे होने के कारण विरोध की संभावना ही नहीं थी। इसका मतलब साफ था कि बदमाशों को पता था कि अगर वे उन्हें जिंदा छोड़कर गए तो वे पकड़े जा सकते हैं। ऐसा तभी होता है जब बदमाश पीड़ित का कोई जानकार होता है। एक दूसरी बात ये भी थी कि बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का DVR उखाड़ कर ले गए थे। ऐसा तभी होता है जब बदमाश पहचान वाला हो और सीसीटीवी की फुटेज से आसानी से पहचाने जाने के डर से आशंकित हो। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को इस बात का पूरा यकीन हो गया कि हो ना हो इस वारदात के पीछे सुखबीर या मोनिका के किसी जानकार का ही हाथ है। सुखबीर व मोनिका की हत्या सिर में गोली मारकर की गई थी। कई घंटों की जांच पड़ताल तथा परिवार वालों से की गई पूछताछ के बाद तिगांव थाना पुलिस ने सुखबीर व मोनिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और अज्ञात बदमाशों के खिलाफ धारा 302 395 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने उसी रात इस केस को सुलझाने का जिम्मा क्राइम ब्रांच को सौंप दिया और एक विशेष टीम का गठन भी कर दिया। DCP मकसूद अहमद ने खुद इस केस की मॉनिटरिंग का काम संभाला और ACP अनिल कुमार तथा ACP को विशेष टीमों की अगुवाई करने का जिम्मा सौंपा। मामला चूंकि सीधे पुलिस कमिश्नर की दिलचस्पी का केंद्र बन गया था, इसलिए अगली सुबह से ही विशेष टीम ने अलग अलग बिंदुओं को आधार बनाकर जांच पड़ताल करने का काम तेजी से शुरू कर दिया। बदमाश घर से कितनी नकदी व जेवरात लूट कर ले गए थे ये तो पुलिस को कोई नहीं बता सका, लेकिन ये साफ था कि घर में लूटपाट जरूर हुई थी। इतना ही नहीं, बदमाश सुखबीर व मोनिका के मोबाइल भी लूट कर ले गए थे, क्योंकि पुलिस को काफी तलाश करने पर भी मोबाइल घर में नहीं मिले थे। दोनों मोबाइल बंद आ रहे थे। घर से सुखबीर का लैपटॉप भी गायब था। इधर बदमाशों ने घर के CCTV कैमरे तोड़ दिए और DVR उखाड़ कर ले गए थे, लेकिन पुलिस को यकीन था कि आसपास के किसी मकान में CCTV जरूर लगा होगा।
जिससे बदमाशों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। पुलिस ने जब सीसीटीवी की जानकारी हासिल कर उन्हें खंगालने का काम शुरू किया तो सुखबीर के मकान से दो मकान छोड़कर एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी की फुटेज में पुलिस को वो फुटेज मिल गई जिसमें बदमाश आते जाते दिख रहे थे। इस फुटेज से पता चला कि 11 अगस्त 2020 की दोपहर 1:37 पर चार युवक दो बाइकों से मकान के पास गली में आए। उन बाइकों को मकान से कुछ दूरी पर खड़ा किया गया। वे घर के भीतर करीब 42 मिनट तक रहे जिसके बाद वे 2:18 पर वापस जाते दिखे। दो युवक पहले घर से निकले जिन्होंने बाइक स्टार्ट की और मकान के पास आकर खड़े हो गए। कुछ ही देर बाद दो युवक मकान में से भागते हुए आए और बाइकों पर बैठ गए जिसके बाद वे सब फरार हो गए। वारदात की फुटेज और बदमाशों के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाना पुलिस के लिए संजीवनी की तरह काम आया। पुलिस ने इन सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि इन फुटेज में किसी भी मोटरसाइकिल का नंबर तो साफ नहीं दिख रहा था लेकिन चेहरे रूमाल से ढके होने के बावजूद उन्हें पहचानने में कोई परेशानी नहीं थी। मोनिका व सुखबीर दोनों के घर वालों को बुलाकर पुलिस ने वो फुटेज दिखाई तो मनीष ने देखते ही साफ कर दिया कि उन चारों बदमाशों में से एक बदमाश का हुलिया उसके बड़े भाई ब्रह्मजीत की पत्नी उषा के भाई विष्णु से काफी मिलता जुलता है। जब पुलिस ने उषा व ब्रह्मजीत को वो फुटेज दिखाई तो वो घबरा गए। उन्होंने बताया कि हुलिया विष्णु से काफी मिलता जुलता जरूर है लेकिन वो अपने ही जीजा की बहन के घर पर ऐसी वारदात क्यों करेगा। विष्णु के वारदात में शामिल होने की पुष्टि करने के लिए पुलिस ने मोनिका के घर वालों से विष्णु का फोन नंबर तथा घर का पता सब हासिल कर लिया। पुलिस ने विष्णु को दबोचने की तैयारी शुरू कर दी लेकिन इससे पहले पुलिस ने विष्णु के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवा ली क्योंकि पुलिस ये विश्वास कर लेना चाहती थी कि जिस बदमाश के विष्णु होने की शंका जताई जा रही है वो असल में विष्णु है भी या नहीं। कॉल डिटेल सामने आई तो पता चला कि सीसीटीवी फुटेज में जिस वक्त चार बदमाश सुखबीर के घर में वारदात करने के लिए घुसे थे उस समय विष्णु के मोबाइल की लोकेशन सुखबीर के घर के पास ही थी। इससे साफ हो गया कि इस वारदात में विष्णु शामिल था। पुलिस के लिए इस वारदात का खुलासा करने के लिए ये एक बड़ी रीढ़ थी। पुलिस की एक टीम ने दिल्ली का रुख किया। विष्णु दिल्ली के भजनपुरा में रहता था। पुलिस की टीम ने उसे रात के समय सोते हुए उसके घर से ही दबोच लिया। विष्णु को फरीदाबाद के तिगांव थाने में लाकर जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने कबूल कर लिया कि सुखबीर व मोनिका की हत्या उसने मेरठ के किला परीक्षितगढ़ के रहने वाले अपने 3 साथियों के साथ मिलकर की थी। इस वारदात को उसने अपने जीजा यानी बहन उषा के पति ब्रह्मजीत के कहने पर अंजाम दिया था। एक भाई आखिर अपनी बहन और उसके पति की हत्या क्यों करवाएगा। पुलिस को ये बात थोड़ी अटपटी लगी लेकिन जब विष्णु से गहराई से पूछताछ हुई और उसने कारण बताया तो पुलिस भी चौंकी। पुलिस को यकीन हो गया कि ब्रह्मजीत ही इस हत्याकांड का असली मास्टरमाइंड है। लिहाजा पुलिस ने उसी रात ब्रह्मजीत को भी हिरासत में ले लिया। इसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी और जल्द ही विष्णु के तीनों साथी सोनू यतीन और कुलदीप कुमार को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपियों से पूछताछ करने के बाद सुखबीर व मोनिका हत्याकांड की कहानी कुछ इस तरह से सामने आई। सुखबीर चूंकि पिछले 2 साल से अपनी ससुराल जासना में ही मकान बनाकर रहने लगा था इसलिए अपनी ससुराल वालों के घर में उसका बेधड़क आना जाना था। पुराने और गांव देहात के लोग आज भी घर के दामाद को बड़ा मान देते हैं। सुखबीर की पत्नी मोनिका के 2 भाई है मनीष और ब्रह्मजीत। दोनों ही शादीशुदा है और दोनों लंबे चौड़े घर में अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। सुखबीर अपने दोनों सालों के घर में बेधड़क आता जाता था। ब्रह्मजीत की पत्नी उषा देखने में परिवार की दूसरी महिलाओं से कुछ ज्यादा ही सुंदर थी लिहाजा सुखबीर उसके घर कुछ ज्यादा और बेधड़क ही आता जाता था। उषा भी खुले स्वभाव की थी। चूंकि सुखबीर उसकी ननद का पति था इसलिए वो उसका बेहद सम्मान करती थी लेकिन जब कभी सुखबीर उसके साथ हंसी मजाक करता तो वो भी उससे हंसी मजाक कर लेती थी। हुआ यूं कि करीब 2 महीने पहले सुखबीर जब ब्रह्मजीत के घर पहुंचा तो वो घर में नहीं था और उसकी पत्नी नहाने के लिए बाथरूम में थी। सुखबीर सोफे पर बैठकर उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था कि उसकी नजर सामने पड़े उषा के मोबाइल फोन पर पड़ी। उत्सुकतावश उसने उषा का फोन उठा लिया और उसे चेक करने लगा। उसने उत्सुकता में ही फोन उठाकर परिवार की फोटो तथा वीडियो देखना शुरू कर दिया। अचानक कुछ ऐसी वीडियो और फोटो देखकर उसके होश उड़ गए जिसमें उषा ने अपने निजी पलों की ऐसी तस्वीरें तथा वीडियो बनाए हुए थे
जिसमें वो पूरी तरह से निर्वस्त्र थी या उसके शरीर पर बहुत कम कपड़े थे। सुखबीर की पत्नी मोनिका भी हालांकि बेहद खूबसूरत थी, लेकिन ब्रह्मजीत की पत्नी उषा, जिसे वो भाभी कहता था, अपने कदकाठी और छरहरे बदन के कारण हमेशा उसके आकर्षण का केंद्र बनी रही। उस दिन सुखबीर ने जब उषा की ऐसी फोटो तथा वीडियो क्लिप देखी तो उसकी आंखों में उषा के प्रति कामना के डोरे तैरने लगे। मन में उषा को अपना बनाने की तमन्ना का ज्वार फूटने लगा। हालांकि किसी की इजाजत के बिना चोरी छिपे उसका मोबाइल देखना एक तरह से गलत काम है, लेकिन उस दिन पूरे परिवार की इज्जत का तारा बना सुखबीर ये पाप कर बैठा। उसने उषा के बाथरूम से आने के पहले ही उसके मोबाइल में पड़ी उसकी निजी पलों की फोटो और वीडियो अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर ली और ट्रांसफर हिस्ट्री को डिलीट कर दिया ताकि किसी को पता न लगे। उस समय सुखबीर को पता नहीं था कि उसने किस मकसद से उषा के फोटो और वीडियो अपने फोन में ट्रांसफर किए हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसने एकांत में उन तस्वीरों और क्लिप को देखना शुरू किया तो उसके मन में उषा को पाने की लालसा जाग उठी। आखिर एक दिन सुखबीर जब ब्रह्मजीत के घर गया तो उसने उषा को अकेला पाया तो उसने अपनी दिल की बात उषा से कह दी। आखिरकार उषा ने उससे पूछ ही लिया, जीजा जी आप ये कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही है। सुखबीर ने मौका देखकर खुलकर बताने की जगह अपना मोबाइल खोलकर उषा को उसकी तस्वीरें और वीडियो दिखानी शुरू कर दी और बोला, उषा भाभी आपकी ऐसी तस्वीरें देखकर तो विश्वामित्र की तपस्या भी भंग हो सकती है। हम तो वैसे भी आपके हुस्न के पहले से कदरदान है, भाभी कभी हम पर भी अपने इस हुस्न की बरसात कर दो। दरअसल सुखबीर को लगा था कि अपने फोन से उषा को उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें दिखाने से उषा की उसके प्रति हिचक दूर हो जाएगी और वो शर्माते हुए उसके पास आ जाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उसने सुखबीर को बहुत डांटा और उसे चेतावनी दी कि अगर उसने अपने मोबाइल से चोरी से ट्रांसफर की गई उसकी फोटो और वीडियो डिलीट नहीं की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सुखबीर को उषा के ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि अगर वो थोड़ा सा और प्रयास करेगा तो उषा उसकी बाहों में जरूर आ जाएगी। उसने उषा की फोटो तथा वीडियो तो डिलीट नहीं की, लेकिन इसके बाद उषा से ऐसे वक्त पर फोन करके बातचीत जरूर शुरू कर दी जब वो घर में अकेली होती थी। वो सब बातें व्हाट्सएप कॉल के जरिए करता था। उसने उषा पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि अगर उसने उसका दिल नहीं बहलाया तो हो सकता है कि वो उसकी ये फोटो और वीडियो कुछ ऐसे लोगों तक पहुंचा दे जिससे उसका जीना मुश्किल हो जाए और दुनिया भर में उसकी बदनामी हो जाए। इस बात को लेकर उषा अक्सर तनाव में रहने लगी। इसी दौरान ब्रह्मजीत को भी उषा के बदले हुए व्यवहार तथा उसके तनाव में रहने का एहसास हुआ। जब उसने पत्नी उषा से इसकी वजह पूछी तो उषा अपने दिल में भरे गुबार को रोक नहीं सकी। उसने पति को नंदोई सुखबीर की सारी बात बता दी और वो किस तरह उसे ब्लैकमेल कर रहा है ये भी बता दिया। किसी भी पति के लिए पत्नी की इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है, लेकिन मुश्किल ये थी कि इस हरकत को करने वाला कोई गैर नहीं बल्कि इकलौती बहन का पति था। उसने उषा को समझाया कि फिलहाल वो चुप रहे, वो जल्द ही कोई रास्ता निकालेगा। इसी तरह कई दिन बीत गए। दूसरी तरफ सुखबीर फोन करके उषा को हर दिन ब्लैकमेल करके अपना दबाव बढ़ाता जा रहा था। इसी बीच 3 अगस्त को रक्षाबंधन आ गया। चूंकि उषा का तनाव के कारण मन ठीक नहीं था, इसलिए उसने अपने भाई विष्णु से कह दिया कि वो इस बार घर नहीं आ सकेगी, वो राखी बंधवाने खुद ही आ जाए। उसका भाई विष्णु जब रक्षाबंधन पर उसके पास आया तो बहन के चेहरे पर फैली उदासी तथा तनाव उससे छिप नहीं सका। उसने अपनी कसम देकर उषा से पूछ ही लिया कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से वो परेशान है। ना चाहते हुए भी उषा को भाई से सुखबीर की तरफ से उसे ब्लैकमेल किए जाने की सारी बात बतानी पड़ी। किसी भाई के लिए रक्षाबंधन के दिन उसकी बहन की अस्मत पर आंच आने की बात पता चलना कितनी बड़ी पीड़ा होती है, ये कोई उस दिन विष्णु के दिल से पूछ सकता था। सुखबीर की इस घिनौनी हरकत को जानकर उसका खून खौल उठा, लेकिन उसकी बहन उषा ने उसे अपनी कसम देकर शांत करा दिया। उस दिन विष्णु को सुखबीर से ज्यादा गुस्सा अपने जीजा ब्रह्मजीत पर आया। उसने अपनी जीजा को खूब लानत दी और धिक्कारा कि पत्नी के इतने बड़े अपमान के बाद भी किस तरह उसका खून ठंडा पड़ा है। ऐसा नहीं है विष्णु कि मेरा खून ठंडा पड़ा है, मेरा मन तो चाहता है कि उस कमीने को अभी जाकर खत्म कर दूं, लेकिन फिर सोचता हूँ कि अगर मैंने जोश में ये काम कर दिया तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी, फिर उषा का क्या होगा, क्योंकि सब जानते हैं कि वो मेरा जीजा है।
कितनी भी सफाई से काम करूं, लेकिन भेद तो देर सवेर खुल ही जाएगा। बात विष्णु की समझ में आ गई। उसने जीजा से कहा, तुम कहो तो मैं ऐसे लोगों का इंतजाम कर देता हूँ कि वो उसका काम तमाम कर दे। कोई है तुम्हारी नजर में तो देखो, क्योंकि उषा की इस बेइज्जती के बाद से मेरी रातों की नींद उड़ चुकी है, ब्रह्मजीत ने कहा। लेकिन साथ ही उसने ये भी कहा कि उसके पास इस काम को करने वाले लोगों को देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन उन्हें सुखबीर के घर में इतना माल तो मिल ही जाएगा कि उन्हें काम करने का मलाल नहीं होगा, क्योंकि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। उस दिन ब्रह्मजीत और विष्णु ने सुखबीर की हत्या का पूरा मन बना लिया और विष्णु दिल्ली आने के बाद इस काम के लिए भाड़े के हत्यारे जुटाने में लग गया। सबसे पहले उसने हत्या के लिए दो तमंचे व कारतूस खरीदे तथा उन्हें लाकर अपने जीजा को दे गया। इसके बाद उसने अपने तीन पुराने जानकारों सोनू, यतिन और कुलदीप को इस बारे में बताया। दरअसल विष्णु अवैध शराब की तस्करी के धंधे से जुड़ा था। मेरठ के उसके तीनों दोस्त भी इसी धंधे में थे और कभी कभी उससे माल खरीदते थे। विष्णु ने उनसे बताया कि उसकी बहन को उसका नंदोई कुछ गलत फोटो और वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा है। वो चाहता है कि वे तीनों बहन के नंदोई की हत्या करने में उसकी मदद करे। उन्हें वहां से इतना माल मिल जाएगा कि इस काम के लिए उन्हें पछताना नहीं पड़ेगा। माल मिलने और बहन की खातिर दोस्त की मदद करने के नाम पर सोनू, छोटू व कुलदीप इस काम को करने के लिए तैयार हो गए। बस इसके बाद विष्णु ने जीजा ब्रह्मजीत के साथ मिलकर सुखबीर की हत्या का पूरा ताना बाना बुन लिया। वारदात को अंजाम देने से पहले एक दिन शाम के समय तीनों ने विष्णु के साथ आकर सुखबीर के घर का निरीक्षण भी किया। उसके बाद उन्होंने प्रतापपुर इलाके से दो मोटरसाइकिल चुराई। जन्माष्टमी का दिन वारदात करने के लिए चुना और उस दिन चोरी की दोनों मोटरसाइकिलों पर सवार होकर विष्णु अपने तीनों दोस्तों के साथ जसाना गांव पहुंच गया। गांव के बाहर ब्रह्मजीत से उनकी मुलाकात हुई। उसने चारों को पहले से खरीदे गए तमंचे और एक पिस्तौल दिया। इसके बाद ब्रह्मजीत अपने घर चला गया और बाकी चारों लोग अपना काम करने के लिए सुखबीर के घर पहुंच गए। संयोग ये था कि सुखबीर जहां रहता था वो गली सुनसान रहती थी, इसलिए उन्हें वहां आते किसी ने नहीं देखा। उन्होंने घर में घुसते ही सुखबीर तथा मोनिका को बंधक बना लिया। बड़ी सर्जिकल टेप से दोनों के हाथ पांव बांध दिए। फिर घर में लूटपाट की। घर में जो भी गहना व नकदी मिली उसे एक बैग में भर लिया और उसके बाद सुखबीर तथा मोनिका को गोली मार दी। हालांकि ब्रह्मजीत ने कहा था कि उन्हें मुंह पर कपड़ा बांधकर केवल सुखबीर की हत्या करनी है, लेकिन मोनिका ने वारदात के दौरान विष्णु का चेहरा देख लिया और उसे पहचान लिया था, इसलिए उन्होंने पकड़े जाने के डर से मोनिका की भी हत्या कर दी थी। चूंकि सुखबीर जिस जगह पर मकान बनाकर रहता था वहां पर आसपास के पीछे के एरिया में सभी प्लॉट खाली थे, जबकि सामने पड़ोस में रहने वाले मकान वाली घटना के समय घर पर नहीं थे। ये परिवार किसी काम से बाहर गया हुआ था। किसी ने भी गोली चलने की आवाज नहीं सुनी, लेकिन उनके घर के बाहर बनी एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में बदमाशों के आने की सारी रिकॉर्डिंग हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद उन्होंने घर में रखा एक लैपटॉप, सुखबीर व मोनिका के मोबाइल फोन तथा सीसीटीवी का डीवीआर भी उखाड़कर बैग में भर लिया और सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए, क्योंकि ब्रह्मजीत ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि सुखबीर के घर में सीसीटीवी लगा है। इससे उन्हें लगा कि अब उन्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि पड़ोस के मकान में लगा सीसीटीवी उनके अपराध की चुगली कर देगा। 13 अगस्त को जरूरी पूछताछ के बाद पुलिस ने पांचों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 3 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। हिरासत में पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयोग किए गए 2 देसी तमंचे, 1 पिस्तौल, 1 जिंदा कारतूस, 1 चोरी की बाइक मेरठ शहर के पास मेन रोड पर झाड़ी से बरामद कर ली। दूसरी मोटरसाइकिल पास ही दूसरी झाड़ी में मिली, जो उन्होंने मेरठ के थाना प्रतापपुर एरिया से चोरी की थी। आरोपी विष्णु के घर से सैमसंग फोन, सोने की एक चेन और 1200 रुपए नकद बरामद किए गए। आरोपी कुलदीप से 1000 रुपए नकद, सोने के 1 जोड़ी झुमके, चांदी की 1 चेन उसकी बहन की ससुराल से बरामद की। आरोपी सोनू से 1 लूटा हुआ लैपटॉप, 1 मोबाइल फोन सिम कार्ड के साथ 2000 रुपए नकद बरामद किए गए। आरोपी जतिन से सोने के 1 जोड़ी झुमके, डकैती के 2000 रुपए और वारदात में पहने हुए कपड़े बरामद किए गए। इसके साथ ही उसका खुद का 1 मोबाइल और सिम भी बरामद किया गया। पूछताछ में विष्णु ने बताया कि हत्या के बाद सुखबीर का मोबाइल वो अनलॉक नहीं कर पा रहे थे। सुखबीर के मोबाइल और लैपटॉप में उसकी बहन की अश्लील तस्वीरें थी, इसी वजह से हत्या के बाद विष्णु उसे साथ ले गया था।
पुलिस ने दोनों मोबाइल और लैपटॉप उसके पास से ही बरामद किए। सुखबीर की हत्या उसके ही घर में करने की प्लानिंग ब्रह्मजीत ने इसलिए रची थी कि भाड़े पर लाए गए सूटरों को पैसे ना देने पड़े। ब्रह्मजीत ने ही उस दिन विष्णु को सुखबीर के घर पर होने की जानकारी दी थी। पुलिस ने 16 अगस्त 2020 को पांचों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें निमका जेल भेज दिया गया था। दूसरी तरफ मृतक सुखबीर के बड़े भाई सतबीर चंदीला ने मीडिया के सामने खुलासा किया है कि उनके भाई पर साले की पत्नी से ब्लैकमेलिंग का झूठा आरोप लगाकर जानबूझकर बदनाम किया है। उन्होंने बताया कि सुखबीर ने खुद अपनी पत्नी और ससुराल वालों से भाभी की शिकायत की थी कि वो उसे अश्लील तस्वीरें भेजती है। इस बात को लेकर रक्षाबंधन से पहले सुखबीर के ससुराल में तीखी नोकझोंक भी हुई थी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।